हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार तज्ञ, सेक्स रोग तज्ञ, समूह विशेषज्ञ, नशा मुक्ति तज्ञ, NLP ट्रेनर और कोच हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सोशल एंग्जाइटी के इलाज के बारे में। सोशल एंग्जाइटी बीमारी में होता क्या है कि जो व्यक्ति है उसको लोगों के साथ में बाहर जाने में, उनके साथ में घुल के बातचीत करने में, मिलने में डर लगता है। घर के बाहर निकलना, कोई शादी ब्याह में जाना, कोई फंक्शन में जाना, कोई उत्सव में जाना या लोगों से मिलना जुलना, उसमें उसको बहुत डर लगता है। उसको ऐसा वहाँ लगता है कि कुछ तो भी हो जाएगा। हाथ कपकपाना, घबराहट होना, बेचैनी, सीने में धड़कन, पसीना आना, ऐसा काफ़ी सारा, मतलब काफ़ी सारे सिम्टम्स उसको होते रहते हैं। उसको लगता है कि ये लोगों को दिखेगा, लोगों को चेहरे पे ऐसा लगेगा कि कुछ तो भी इसको हुआ है। और समझो ये लोगों को समझ में आया तो फिर क्या, फिर लोग क्या कहेंगे? यानी मुझे डर लगता है लोगों को मिलने में, ये लोगों की ये समझ में आया तो मुझे लोग क्या कहेंगे? मुझे बताने का है कि इसमें दवा लेने के बजाय समझो हम ये विचारधारा दिमाग में लाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसको थोड़ा बाजू में रखेंगे। लोग कुछ भी नहीं कहे, समझो लोगों ने देख भी लिया कि कुछ तो भी हो रहा है, हाथ कांप रहे हैं, घबराहट हो रही है या पसीना आ रहा है, ऐसा लोगों ने देख भी लिया तो क्या, मतलब सो व्हाट, देख लिया तो। क्योंकि लोग देखेंगे उनको ऐसा लगेगा कि ठीक है इसको कुछ तो भी हो रहा है, और बाद में वो अपना काम चालू करेंगे और आपसे बातचीत चालू करेंगे। तो जब लोगों में मिलते जुलते हैं तो दिमाग में ये लाना है कि भाई लोग क्या कहेंगे, या लोग मुझे देखेंगे, मेरी घबराहट देखेंगे, लोग मेरा चेहरा देखेंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे? इसके बदले लोग जो भी कहेंगे वो कहेंगे, ये व्यक्ति को ऐसा लगता है कि लोग मेरी हंसी मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझे कुछ बुरा बोलेंगे, लोग बोलेंगे तू घबरा गया है, क्या हुआ तेरे को, मतलब ऐसा खुद को कुछ तो भी ये व्यक्ति कम समझता है। और फिर लोग अपनी मजाक उड़ाएंगे, टर उड़ाएंगे या कुछ कमेंट्स पास करेंगे, इसके बदले मैं नहीं जाता तो अच्छा है। और ये फिर व्यक्ति टालता है लोगों में जाना जाना। मुझे इतनी सलाह देने की है कि लोगों में जाना, मिलना जुलना, लोग यदि आपको सपोर्ट करने वाले हैं नहीं, लोग यदि आपके ऊपर कमेंट करने वाले हैं, वो कुछ घंटा दो घंटे कोई कमेंट करने वाले हैं नहीं, बोलेंगे तो मिनट दो मिनट कुछ तभी बोलेंगे। हमने उनके तरफ ख्याल देने का नहीं, बेख्याल करने का है, अपना काम करने का है और पूरी बॉडी पूरा बदन रिलैक्स करना है, उनके साथ में रहना है। जस्ट बी विद देम, उनके साथ में रहो, वहीं खड़े रहो, वहीं से हिलो मत, वहीं से कहीं जाओ मत, कहीं वापस घर में मत आना, वहीं खड़े रहना है। और जो भी सिचुएशन है वो सिचुएशन को हम डील करते हैं तो धीरे 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 ये डर कम हो जाएगा। उस समय थोड़ी सी गोलियां भी ले सकते हैं, दवा भी ले सकते हैं, ताकि वो दवा से डर जो है, वो धड़कन जो है, घबराहट जो है वो कम हो जाएंगी। और एक बार वहाँ एडजस्ट हो गए, बातचीत चालू किया तो धीरे धीरे डर कम होके फिर वो डर गायब हो जाएगा। तो मुझे इतने बताने का है कि घर में प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कौन सी करना है कि लोगों में हम मिल रहे हैं और वहाँ हमारी बॉडी हम रिलैक्स कर रहे हैं, एक ये प्रैक्टिस। और दूसरी, जो भी लोग कहेंगे वो कहेंगे, उनके साथ में रहने का है, उसके मतलब उसके दखल लेने की नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसकी तरफ ध्यान देने का नहीं है, वहीं डटे रहो, खड़े रहो, जो भी आपको तकलीफ हो रही है उसको सहना है, थोड़ी देर धीरे 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 वो ख़त्म हो जाएगा। ये भी करेंगे तो आपका जो डर है सोशल एंग्जाइटी का वो निकल जाएगा, ये जो तकलीफ होती है वो धीरे धीरे निकल जाएंगी और ये बीमारी हरदम के लिए दूर हो जाएंगी। आपके संपर्क में आने वाले काफ़ी सारे लोगों को ये तकलीफ होंगी, ये बीमारी होंगी। ऐसा आपको लगता है कि लोगों को ये है तो उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करो, ताकि ये वीडियो लोग देखेंगे तो वो बीमारी से ठीक हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और एक वो अच्छा जीवन जीना शुरू करेंगे। मेरा यही विचार है, मेरा ये काम है कि जिनको जिनको ये प्रॉब्लम है वो व्यक्तियों को इसका फ़ायदा हो। तो आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।